बिग बॉस 17 की ट्रॉफी की रेस से बाहर हुई अंकिता लोखंडे की किस्मत अब चमक चुकी है। बिग बॉस के घर से बाहर निकलते ही उनके हाथ में एक बड़ी फिल्म लग गई है। आपको बता दें, एक्ट्रेस जल्द ही रणदीप हुड्डा के डायरेक्शन में बनी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में नजर आने वाली है। इस बात के अनाउंसमेंट उन्होंने खुद पोस्ट शेयर करते हुए की। आपको बता दें कि बिग बॉस 17 में नजर आई अंकिता लोखंडे अब जल्द ही फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर नामक फिल्म में नजर आएंगी। ये फिल्म एक जीवनी पर आधारित है। पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस रणदीप हुड्डा की डायरेक्शन में बनी फिल्म का हिस्सा बनने वाली है, जिसमें वह लीड रोल करते हुए देखी जाने वाली है। स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म की कहानी के बारे में आपको कुछ बताते हैं तो ये एक ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा डायरेक्शन कर रहे हैं और ये उनके डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म होने वाली है। ऐसे में फिल्म को लेकर बात करते हुए रणदीप ने मीडिया में कुछ कहा है। उन्होंने कहा, श्री सावरकर के साथ काला पानी में लगभग 2 साल बिताने के बाद अब उनके लिए आजादी की ओर कदम बढ़ाने का समय आ गया है, लेकिन इसने मुझे एक अभिनेता के रूप में खुद से आगे बढ़कर एक फिल्म डायरेक्टर बनने और बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित किया है। आखिर में आपको बता दें कि रणदीप हुड्डा के अलावा इस फिल्म में अंकिता लोखंडे और अमित सियाल एक्टिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं ये फिल्म 22 मार्च 2024 को दो भाषा में रिलीज की जाएगी, जिसमें पहली जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और दूसरी है मराठी। आखिर में आपको बता दें, स्वतंत्र वीर सावरकर भारत की स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की बायोपिक है, जो जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। तो अब अंकिता को तो घर से बाहर, हालांकि वो बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन ऑडियंस का दिल जीत चुकी हैं और अब उनके हाथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है, एक बहुत बड़ी मूवी लग गई है, जो कि 22 मार्च को सिनेमाघरों में आने वाली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही है इंडिया न्यूज के साथ।